हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम करने जा रहे हैं संस्कृति, त्यौहार और रीति रिवाज। सो शुरू करते हैं। किन्नौर में मृत्यु के उपरांत शवों की डुबंत, फुकंत और बखंत की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है विवाह। किन्नौर में जनेटांग व्यवस्थित विवाह को कहते हैं, और दरोश, डबडब, हचीश, नेमशा, डिपांग जबरन विवाह के प्रकार हैं। ठीक है, और हर दूसरे की पत्नी को भगाने के बाद जो शादी होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज त्यौहार। छतरैल त्यौहार, यह त्यौहार चारगांव में चैत्र मास में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है दखेरनी त्यौहार, ये सावन के महीने में मनाया जाता है। और आगे है उख्यांग या फुलैच त्यौहार, ये फूलों का त्यौहार है जो किन्नौर का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है और यह अगस्त अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इसके अलावा फागुली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, छांगो, शेषुल और इराटांग किन्नौर के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। तोशिम त्यौहार, यह त्यौहार अविवाहित पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। इसमें स्थानीय शराब घांती का प्रयोग किया जाता है पीने के लिए। आगे है भोजन। गेहूं को रेजत, जोड़, थो और ओजा के नाम से जाना जाता है। जौ को टंग, छा, छक, नन के नाम से किन्नौर में जाना जाता है। मक्की को छाहा के नाम से जानते हैं। सूत्रले त्योहार का व्यंजन है, सनपोले जलेबी जैसा व्यंजन है। ठीक है, ये व्यंजनों के नाम है और इन व्यंजनों को जैसे हमारी साइड बनाते हैं किसी स्पेशल त्यौहार पे, इनको भी उसी तरह से बनाते हैं। इसलिए कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो सूत्रले त्यौहार का व्यंजन है, कि जो सूत्रले होते हैं वो त्यौहार के टाइम पे बनाए जाते हैं, और सनपोले जलेबी जैसा व्यंजन होता है। कावनी नमकीन बर्फी है। किन्नौर में नाश्ते में खाए जाने वाले खाने को खाऊ कहते हैं। दोपहर का भोजन शीद होता है और रात्रि का भोजन भी खाऊ होता है। ठीक है, यानी जो सुबह जैसे ब्रेकफास्ट होता है उसको खाऊ बोलते हैं, दोपहर वाले को शील और फिर नेक्स्ट अगेन खाऊ जो डिनर होता है। किन्नौर में छांग देशी शराब है जो हांगरांग घाटी में मुख्यतः पी जाती है। ये हांगरांग घाटी वही है जो तिब्बतियों ने किन्नौर को गिफ्ट में दी थी जब उनका युद्ध हो रहा था मुगलों के साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट है घांती जौ से बनी शराब है, स्थानीय शराब है। और रिब्बा घाटी अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए रिब्बा को अंगूरों की घाटी कहते हैं। घांती जौ से बनी स्थानीय शराब है, रिब्बा घाटी अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए रिब्बा को अंगूरों की घाटी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रिब्बा को कौन सी घाटी कहा जाता है या अंगूरों की घाटी कौन सी घाटी को कहा जाता है। नेक्स्ट है पोशाक। छम्मू कुर्ती पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली कमीज है। जो छम्मू होता है ना, वो वहाँ के पुरुष जो कमीज पहनते हैं उसको कहते हैं। और छम्मू सुथन उन्हीं पजामा है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ये पूरा ड्रेस जिनका कुर्ता पजामा जो डालते हैं तो उसको छम्मू सुथन कहते हैं। और जो हिमाचली टोपी है किन्नौर की, उसको थेपांग कहते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो चोली, डोरी और गचांग पहनती हैं, और छानली शॉल का नाम है। ये शॉल भी डाल उड़ती हैं तो उसका नाम छानली है। आगे है महत्वपूर्ण स्थान, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहाँ पे। चीनी, जो हमने डिस्कस किया था कि 1895 में गठित यह तहसील किन्नौर का मुख्यालय भी रहा है, और ये जो था वो लॉर्ड डलहौजी का फेवरेट प्लेस था। यहाँ पर रहकर ही उन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे है कल्पा। रिकोंगपियो से पहले किन्नौर का मुख्यालय था। जो कल्पा है पहले, जैसे किन्नौर का मुख्यालय रिकोंगपियो है तो उससे पहले कल्पा था। आगे है छितकुल, यह बसपा घाटी का अंतिम गाँव है। ठीक है, छितकुल है वो बसपा घाटी का अंतिम गांव है। और कामरू बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी कामरू में स्थित है। यहाँ के 5 मंजिला शाही दुर्ग में कामाक्षा देवी का मंदिर है। क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि कामाक्षा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है और ये 5 मंजिला शाही दुर्ग में
बनाया गया है इसको, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक्स हम कल करेंगे, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।